सर बोलिए, अब आप बोलिए। मैं ये बोल रहा था, अरे मेरी आवाज डबल आ रही है? नहीं सही, सिंगल है सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए, जब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, तो आपको उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना जरूरी है, ठीक है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार बोलती है कि खाली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस काफी नहीं है, आपको अच्छा उसके अलावा कुछ और भी पेपर वर्क करने होंगे। अब उसमें से गोल्ड का बिजनेस एक है, तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सिर्फ जेन्युइन लोग ही गोल्ड का बिजनेस करें। जेन्युइन से मेरा मतलब ये है, ऐसे लोग जो गोल्ड को इंपोर्ट करने के बाद उसका कोई रिफाइनरी हो उनके लिए, मतलब आप जैसे कोई रिफाइनरी का मतलब आप समझ रहे हैं, गोल्ड जब हाँ, आता है तो कच्चे फॉर्म में आता है, ठीक है, हाँ, फिर उसको रिफाइनरी में रिफाइन करके फिर उसके जेवर बनाए जाते हैं या तो उसके कॉइन बनाए जाते हैं। तो अब सरकार आपको गोल्ड इंपोर्ट करने का लाइसेंस तब देगी जब आप उनको ये सेटिस्फाई कर सको कि गोल्ड इंपोर्ट करने के बाद आप या तो सोने की दुकान खोले हो या आपकी गोल्ड की रिफाइनरी है, ठीक है, तभी आपको गोल्ड इंपोर्ट करने का लाइसेंस मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो या आपका ऐसा प्लान है कि मैं गोल्ड इंपोर्ट करूं और वो मार्केट में बेचूं, ठीक है, सोने की दुकान पे या वगैरह वगैरह, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये है मामला। कारण क्या है सर? कारण ये है कि देखो, जब अब सरकार के फैसलों के कारण तो सरकार ही जाने, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरा अंदाजा ऐसा है कि जो सोना है ना, वो एक बहुत महंगी चीज है, और किसी भी देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है आप समझते हैं? सर एक मिनट मेरी बात सुनिए, इसकी जानकारी कौन देगा पूरे? जानकारी तो मैं दे रहा हूँ ना आपको, कहा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अगर ये तो दे रहे, आप तो दे रहे हो, ये बताओ ना, जैसे मेरी दुकान नहीं है तो हो सकता तो आपको है? नहीं हो सकता। अगर आपकी दुकान नहीं है तो आप किसी के पास भी जाओ, कोई भी एजेंट के पास जाओ, कोई भी वकील के पास जाओ, वो आपको यही बोलेगा कि आपको नहीं मिलेगा। उसका एक और कारण बताता हूँ, ठीक है। कारण ऐसा है कि जब अभी आपने ये प्लान किया कि आपको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है आपको, उसके बाद जीएसटी नंबर लेना है, फिर लोकल ट्रेडिंग लाइसेंस लेना है। जैसे आप कौन से शहर से हो? पानीपत। पानीपत से, तो पानीपत म्यूनसिपालिटी एक लाइसेंस देगी कि हाँ ये लाइसेंस आपका दुकान चलाने का है। अब ये सारे लाइसेंस लेने के बाद आपको एक एप्लीकेशन जाएगा दिल्ली में कि इनको सोना इंपोर्ट करना है, तो वो लोग बोलेंगे कितना इंपोर्ट करना है, जैसे कितने किलो एक साल में, तो एक परमिट मिलती है कि भाई आप 50 किलो इंपोर्ट कर सकते हो एक साल में या 100 किलो कर सकते हो, वो लोग बताएंगे कितना कर सकते हो आप। लेकिन उनको आपको ये बताना है कि आप ये इंपोर्ट करके क्या करोगे। आप बोलोगे मैं ये ओपन मार्केट में बेच दूंगा, तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, अगर आप बोलोगे मेरी दुकान है या मेरी रिफाइनरी है या मैं जेवर बनाता हूँ, तो वो लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, हम लोग आके देखेंगे कि सच्ची में तुम्हारी दुकान है कि नहीं। और एक ऑफिसर आके देखेगा भी, वो कभी भी आ सकता है, आपसे सिर्फ पता ले लेगा, बोलेगा आपकी दुकान का पता दे दो, हम आके देखेंगे। वो कब आएंगे आपको बताएंगे नहीं, अचानक आएंगे, तब देखेंगे सच्ची में आपकी दुकान चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो रिपोर्ट डाल देंगे कि भाई इनको वो लाइसेंस ना दिया जाए, और अगर सच में चल रही है तो फिर रिपोर्ट डालेंगे कि हाँ ये जेन्युइन इंसान है, चल रही है, ऐसा मामला है। वरना तो हर दूसरा आदमी सोना इंपोर्ट करके बैठेगा और मार्केट में बेचेगा। एक मिनट, एक बात बताइए सर मेरी रिक्वेस्ट में। हाँ बोलो ना। जैसे ये ओपन मार्केट से लोगों ने कह दिया मेरी दुकान है, ठीक है, हाँ, उसने सोना मंगा लिया, हाँ, वो दूसरे को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो चल रहा है, वो चलेगा? इंपोर्ट करके फिर वापस एक्सपोर्ट करना है? देखो इंपोर्ट कर रहा है, वो दुकान भी दिखा दी उसने, सारा कुछ दिखा दिया, हाँ, वो दुकान दिखा के दूसरे को बेच रहा है, अपने दुकान में कम कर रहा है इन्वेस्टमेंट, दूसरे को बेच रहा है। लेकिन अभी तो देखो सब जीएसटी पे रहता है बिल, जीएसटी पे बिल रहता है, पता है, तो पता तो चलेगा कि किसको जा रहा है माल। ऐसा तो नहीं दिखा सकता इसको नहीं बेच रहा, क्योंकि वो जिसको भी बेचेगा वो जीएसटी बिल तो लेगा ही। और अब ये भी डिपेंड है,
कि अगर समझो उसको 100 किलो का परमिशन मिला, अगर वो 10-12 किलो किसी और जवेरी को बेच रहे तो अलग बात है, लेकिन अगर 80 किलो किसी और जवेरी को बेच रहे तो जरूर फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा सर, इसका मतलब ये मुश्किल हो गया, थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी लगेगा, काफी इसमें दुकान डालना है, पेपर वर्क करना है, फिर आपका एक पुलिस एनओसी भी होगा कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह तो नहीं है, तो वो सारी चीजें होगी, आपका इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा। अभी अगर आप समझो 100 किलो सोना लेने का परमिशन डाल रहे हो तो आपको पता है 100 किलो सोने की कीमत कितनी है अंदाजे? अच्छा सर, पुलिस परमिशन इसी केस में होती है या सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम हो गए? पुलिस की परमिशन नहीं है, पुलिस की परमिशन नहीं थी अपने को, अपने को पुलिस से एक लेटर चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है, मतलब आप एक शरीफ इंसान हो, उसका सबूत चाहिए, पुलिस से परमिशन नहीं चाहिए। अच्छा सर, हर एक इम्पोर्ट में होगा ये? कुछ इम्पोर्ट्स में होता है, हर एक में नहीं होता, पर कुछ में होता है, कुछ में, जैसे सोना अच्छा। है, दवाई है, या कोई ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी अलग हो उसमें, जैसे कपड़ा वगैरह में ऐसा कुछ नहीं लगता, कपड़ा है, खाना है, उसमें। अच्छा सर, एक बात बताइए मेरे को, आपको तो ज्ञान है सारी चीजों का, ऐसा कोई इम्पोर्ट काम बताइए जो अच्छा हो और बेनिफिट बढ़िया हो उसमें। इम्पोर्ट में देखो, आज की डेट में आप देखो, ज्यादा करके जो इम्पोर्ट का जो फायदा था ना, वो चाइना से था, चाइना से लोग इम्पोर्ट सस्ते में करते थे और इंडिया में वो महंगे में बिकता था। अब चाइना से काफी सारी चीजें नहीं मिल रही, प्रॉब्लम्स हो रही, ठीक है, तो लोग अभी एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे कि यहाँ से बाहर भेजा जाए। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा अच्छी चीजें खाने पीने की चीजें, जैसे वेजिटेबल है, प्याज है, आलू है, ठीक है, या कुछ और का, जैसे चावल है, तो ये सब चीजें बाहर काफी बिकती है और इसमें पैसा भी अच्छा है, लेकिन आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। अभी आपको पता है प्याज कितनी टाइप की होती है, आलू कितने टाइप के होते हैं, चावल कितने अलग अलग टाइप के होते हैं, सबसे सस्ता कहाँ मिलता है, तो आपको सबसे पहले तो ये ढूंढना है कि मार्केट में क्या बिकता है और कितने भाव में बिक रहा है, फिर ये ढूंढना है कि उसमें सस्ता कहाँ मिलता है इंडिया में, फिर आप बेच सकते हो। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अच्छा, ये कंबल वगैरह कौन से देश में जाते हैं सर? कंबल तो काफी सारे देशों में जाते हैं, जो ऊपर की तरफ है, जैसे रशिया है, इंग्लैंड है, यूरोप है, वो सब ठंडे मुल्क है, तो वहां पर कंबल तो सब उन देशों में जाते हैं, लेकिन अच्छा। उनको जो कंबल जाते उसकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे आपको पता है यहाँ पे इंडिया में 100 रुपए का भी कंबल मिलता है, ठीक है? हाँ, मिलता है, मेरी सिटी में मिलता है। हाँ, तो 100 रुपए का भी मिलता है जो एकदम हल्की वेट का होता है, ठीक है? हाँ, अब वो जब हम भारत की जब ठंडी देखेंगे तो उसमें कुछ शहरों में ऐसी ठंडी है जहाँ पे वो 100 रुपए वाला कंबल काफी है, लेकिन कुछ जगहों पे वो कुछ काम का नहीं है, ठीक है? तो जो ऊपर के जो देश है, जैसे रशिया है, यूरोप है, वहाँ पे ठंडी बहुत गजब की रहती है, तो वहाँ पे ये कंबल तो नहीं चलेंगे। तो आप अगर वो बिजनेस में जाना चाहते हो, सुनो, आइडिया सुनो, आप क्या करो, आप है ना इंडिया मार्ट पे जाओ और वहाँ पे जाके ना एक ऐसा मैसेज डालो कि मैं रशिया से हूँ और मुझे कंबल चाहिए, फिर आपको जो इंडिया में जो लोग कंबल बेचते ना, ठीक है, वो कांटेक्ट करेंगे कि सर हम आपको कंबल देते, बोलो कितना पीस चाहिए, ठीक है? तो आप बोलोगे मुझे 100 पीस चाहिए, तो वो उनको बोला आप सैंपल भेजो और भाव भेजो, ठीक है? तो आपके पास सैंपल मतलब वो प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, फोटो भेजेगा आपको, फोटो और रेट भेजेगा। तो आपको सबसे पहले इससे ये ज्ञान होगा कि रशिया में जो जा रहा है माल वो किस टाइप का जा रहा है, वो फोटो देख के पता चलेगा, और कितने रुपए में बिक रहे हैं वो भी पता चलेगा, फिर आपको आइडिया मिलेगी कि वहां पे टारगेट माल क्या बेचना है और वो कितने रुपए में तक बिकेगा। जैसे अगर उसने आपको बोला कि मैं आपको एक कंबल 500 रुपए का बेचूंगा, ठीक है, जिसका वजन 2 किलो है समझो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि भाई कम से कम 2 किलो का है, 500 रुपए में बाहर बिक रहे, दूसरे लोग 500 में बेच रहे, तो अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हो तो आपको 400 में ढूंढना पड़ेगा कम से कम, तब जाके कुछ मुनाफा कमाओगे। अब समझ रहे हो? एक मिनट प्लीज बताइए, रिक्वेस्ट में मैं, क्योंकि सर मैं पानीपत से हूँ, मैं ज्यादा नाजुक स्थिति में हूँ,
ऐसे बताइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं? प्रॉफिट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज चालू किया और लाखों रुपए गिरने लगे। तो हो सकता है शुरुआत में नुकसान भी हो सकता है शुरुआत में 6 महीना प्रॉफिट नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप तकलीफ में हो तो आप बिजनेस करो ही मत, आप सबसे पहले नौकरी करो, कुछ पैसा जमा होएगा, फिर आप थोड़ा स्टेबल होगे तब बिजनेस में आओ। बिजनेस में आदमी तब आता है जब पैसा जमा है, तकलीफ में बिजनेस चालू नहीं करते। नहीं, जमा तो है, पैसा तो जमा है, पर ऐसा नहीं है जैसे कि नुकसान हो जाए, प्रॉफिट हाँ, तो देखो, आप पैसा पैसा तो जमा कर लिया, एक्सपीरियंस कुछ है कि आपने नौकरी किया आज तक? नहीं, बीए किया है सर। नौकरी किया ही नहीं आज तक? नहीं सर। और पढ़े लिखे कितना हुआ? बीए किया है सर। बीए? अच्छा, बीए किया है। और कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 उम्र है, 22-23 साल। मेरी हाँ 22-23 उम्र। तो मेरी मेरी राय ऐसी है कि आप कुछ समय नौकरी करो कहीं पे भी, तब तो आप समझ पाओगे कि बिजनेस कैसा होता है।